जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको विदिशा में हुई बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा की कुछ पल और कुछ यादें आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ये विदिशा की कथा पहले से ही बिल्कुल पक्की थी कि ये सभी कथाओं से बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है। जैसा सभी लोगों की तरफ से सोचा गया था, वैसी ही ये कथा भी हुई। ऐसी कथा अभी तक बागेश्वर धाम सरकार जी की किसी भी स्थान पर नहीं हुई है। विदिशा पहले से एक बहुत ही प्रसिद्ध नगरी है और अब तो ये पूरे विश्व में जानने लगी है। तो दोस्तों, फिलहाल अभी हम आपको बताते हैं शुरू से लेकर आखिरी दिन तक की पूरी वहाँ की व्यवस्था क्या रही, वहाँ के लोगों ने क्या कहा उस व्यवस्था के बारे में, और विदिशा का कैसा अनुभव रहा सभी बाहर से आए हुए भक्तगणों के लिए। तो दोस्तों, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जब यहाँ पर टेंट वगैरह की तैयारी हो रही थी, आप उस समय का दृश्य देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि इस जगह पर कैसे इतने सारे भक्तगण एक साथ आ सकते हैं। दोस्तों, जब किसी स्थान पर भगवान विराजित होते हैं, भगवान का स्वरूप जिस स्थान पर होता है, वहाँ पर कितने लोग आ सकते हैं, इसकी हम तो क्या कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है। आप देख सकते हैं कि इस विदिशा की नगरी में बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा में बाहर बाहर से देश और विदेश से लोग आए हुए थे। घंटों का सफ़र तय करके, बहुत सारी अपनी मतलब पैसा खर्च करके, अपना परिश्रम करके बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा में आए हुए थे। और विदिशा में सबसे अच्छी बात ये थी कि दो दिन का दिव्य दरबार यहाँ पर लग रहा था। फिलहाल दो दिन का ही लगता था, पर अब गुरुदेव ने सभी जगहों पर एक दिन का दिव्य दरबार कर दिया है। पर दोस्तों, विदिशा को दो दिन का दिव्य दरबार मिला हुआ था, यहाँ पर भी दो दिन का होता, पर हुआ क्या था कि जो 9 अप्रैल का दिव्य दरबार था वो बारिश के कारण मतलब उसको नहीं लगाया गया था, पर 10 तारीख को दिव्य दरबार जो दूसरी तारीख थी उसको लगाया गया था। अब दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार जी विदिशा मतलब यहाँ पर ये दूसरे दिन का दिव्य दरबार भी 11 तारीख को लगा सकते थे, पर उनकी वो व्यवस्था, उनकी पूरे कार्यक्रम पहले से मतलब पक्के रहते कि इस समय ये काम होना है। तो 9 और 10 को दिव्य दरबार की तारीख तय की गई थी, पर 9 तारीख को किसी मतलब बारिश की वजह से नहीं लग पाया, तो फिर सिर्फ एक दिन का ही दिव्य दरबार अब विदिशा में लगा था। और अब से जहाँ भी कथा होगी वहाँ पर एक दिन का ही अभी दिव्य दरबार यहाँ पर लगने वाला है। तो दोस्तों, विदिशा में आए हुए लोगों का, भक्तगणों का बहुत ही अच्छा अनुभव इस कथा के लिए रहा है। सभी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी तारीफ़ें की हैं। 100 में से कुछ लोग अगर गुस्सा हो भी गए हैं तो भाई उनको भी अच्छे से समझा दिया गया है। वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के दुकानदार, वहाँ का हर एक व्यक्ति जो कि बागेश्वर धाम सरकार जी के इस कथा पंडाल में, मेले में, हवन यज्ञ के आसपास जहाँ पर भी रुका हुआ है, वो बहुत ही विनम्र है। सभी जगहों पर आपके लिए एक बोर्ड लिखा गया था कि अपनी वाणी पर संयम रखें, जो कि सभी लोगों ने इस पर अमल भी किया है। और दोस्तों, इस कथा की सबसे अच्छी बात यह है, मतलब अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो कि आज तक किसी कथा में, बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा में नहीं हुई है। सबसे पहले दोस्तों, विदिशा की यह बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा इसीलिए बहुत ज़्यादा खास रही क्योंकि दोस्तों, विदिशा में के साथ में मध्य प्रदेश के 4 जिलों में एक साथ 4 बड़े बड़े संतों या 4 बड़े बड़े कथाकारों द्वारा एक समय पर कथा हुई है, जो कि आज तक किसी स्थान पर ऐसा नहीं हुआ है। मतलब ये ऐसे ज़िले हैं जो कि आसपास एक के बाद एक पड़ते हैं। सबसे पहले विदिशा पड़ता है, जो कि हम आपको बताते हैं। विदिशा में बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा हुई थी, है ना, हुई थी मतलब अब हो चुकी है। तो ये एक ही समय पर मध्य प्रदेश के इन 4 जिलों में कथा हुई थी। सबसे पहला है विदिशा, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा हुई थी। दूसरा शहर है भोपाल, जिसमें देवकीनंदन ठाकुर जी की कथा हुई थी। एक ही समय पर विदिशा के बाद भोपाल हो गया, भोपाल में देवकीनंदन जी की कथा हुई थी। तीसरा स्थान है उज्जैन, उज्जैन में सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा हुई थी एक ही समय पर। चौथा है इंदौर, इंदौर में श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा हुई थी। ये चारों संतों द्वारा, चारों बड़े बड़े कथाकारों द्वारा एक ही समय पर मध्य प्रदेश के इन 4 जिलों में एक साथ कथा हुई थी, जो कि आप खोल कर देख लो अभी तक की कथाओं में कभी ऐसा हुआ हो तो भाई कमेंट में बता देना आप लोग, ठीक है। इसीलिए ये विदिशा की कथा बहुत ज़्यादा खास रही। ऐसा नहीं विदिशा की कथा बहुत ज़्यादा खास है, विदिशा की देवकीनंदन जी की हुई थी, भोपाल की कथा भी बहुत ज़्यादा खास है, उज्जैन की कथा भी बहुत ज़्यादा खास है, और इंदौर की कथा भी बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि 4 बड़े बड़े कथाकारों की एक साथ ऐसे आसपास के ज़िलों में मध्य प्रदेश के अंदर एक साथ कथा हुई है। तो ये बात छोटी नहीं है, और ये मतलब पल बहुत ही ज़्यादा खास था जब चारों कथाएँ एक साथ चल रही थी आसपास की जगहों में। इससे भक्तगणों को बहुत सुविधा हुई, क्योंकि दोस्तों
कोई व्यक्ति मतलब कोई भक्तगण उज्जैन से आकर सीधा विदिशा आ गया, कोई भोपाल से सीधा विदिशा आ गया, कोई इंदौर से सीधा विदिशा आ गया बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा को सुनने के लिए, और विदिशा से जिनको भोपाल उज्जैन या इंदौर जाना था वो लोग यहाँ से वहाँ की कथा सुनने के लिए चले गए। और यहाँ की दूरी ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 घंटे के बीच में आप कहीं पर भी इन तीनों जगहों में से जा सकते हैं। भोपाल आधे घंटे में जा सकते हैं विदिशा से, उज्जैन 1 से 1.5 घंटे में या 2 घंटे में, और उज्जैन 2.5 घंटे में आप लोग पहुँच जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि मध्य प्रदेश के इन 4 जिलों में एक साथ यहाँ पर ये कथाएँ हुई हैं, जो कि ये दर्शाता है कि अब हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। उसके बाद में दोस्तों इस कथा में और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, आप लोगों को पता होगा। दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी की विदिशा कर्मभूमि है। आप लोगों ने कभी देखा कि बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा में शिवराज सिंह चौहान आए हों? आपने नहीं देखा होगा। हाँ, अभी बागेश्वर धाम सरकार जी का जो मतलब विवाह समारोह हुआ था, बागेश्वर धाम सरकार जी जो गढ़ा गांव है वहाँ पर, उस समय ज़रूर आमंत्रित किया गया था हमारे मतलब भारत मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तो वो शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ पर आए हुए थे। पर क्या आपने कभी किसी कथा में जो अलग जगह जगह पर होती है वहाँ पर कभी मुख्यमंत्री जी को देखा? नहीं देखा होगा। पर दोस्तों मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में आपने बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देख लिया। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी का इस कथा में ऐसा दृश्य जहाँ पर वो भजन गा रहे थे, जहाँ पर वो भक्तगणों से बात कर रहे थे, जहाँ पर वो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, जहाँ पर वो ऐसी बात कर रहे थे जिससे हमारे बीच में संस्कार आए, हमारा सनातन धर्म जागे, दोस्तों ऐसी बात कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी किसी से नहीं कही होगी। साथ ही में दोस्तों इस कथा में मुख्यमंत्री जी ने ऐसे भजन गाए हैं कि सुनकर मतलब वहाँ के लोगों को विश्वास नहीं हो कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे भजन गाते हैं, इतने सुंदर इतने मनमोहक भजन गाते हैं। तो दोस्तों ऐसा दृश्य कभी आपने किसी कथा में नहीं देखा होगा। विदिशा की कलश यात्रा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। विदिशा की कलश यात्रा काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और इसकी चर्चा पूरे मतलब देश में हुई थी एक तरीके से, क्योंकि दोस्तों ऐसी कलश यात्रा शायद ही आपने कहीं पर देखी होगी। उस समय बागेश्वर धाम सरकार जी यहाँ पर नहीं आए हुए थे। 6 अप्रैल को कलश यात्रा निकाली गई थी, 7 से कथा थी, तो उस समय बागेश्वर धाम सरकार जी नहीं आए हुए थे। पर जब भी पूरा विदिशा शहर और आसपास के जो भी गांव क्षेत्र होते हैं सभी जगहों से कलश आए हुए थे, सभी जगहों से माताएं बहनें आई हुई थीं, पुरुष वर्ग आए हुए थे, बहुत सारे बच्चे आए हुए थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब आप उस दिन की आप भक्तगणों की भीड़ देखोगे तो आप भी कहोगे कि ये है हमारा सनातन धर्म, ये है असली कलश यात्रा। जिसको देखना हो पहली बारी वीडियोस को देख सकता है। उसके बाद दोस्तों दिन बीतते गए और श्री महालक्ष्मी नारायण यज्ञ भी वहाँ पर हो रहा है, जिसमें दोस्तों लाखों लोगों ने यहाँ पर परिक्रमा करी है, देश विदेश से आए हुए लोगों ने परिक्रमा करी है। इस महायज्ञ का बहुत ही विशेष फल है, लाखों लोगों ने मतलब सुबह से जो शुरू होते हैं भक्तगण भारी भीड़ में, शाम तक यही भीड़ चढ़ती रहती है और रात के 12, 1, 2, 3 मतलब पूरी रात भी निकल जाती तब भी वह परिक्रमा चलती रहती है। तो एक विदिशा की बहुत अच्छी बात और इस कथा को अलग बनाने की ये भी है कि यहाँ पर महालक्ष्मी नारायण हवन यज्ञ हुआ था और वो वेदी आप लोग देखना कितनी भव्य और कितनी सुंदर वहाँ पर बनाई गई थी। यहाँ का मेला भी कोई छोटा मेला नहीं लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। वो एक अलग बात है कि बारिश की वजह से जो है कई दुकानें जो है वहाँ से हटा दी गई थी, है ना, मतलब कीचड़ की वजह से जो है हो गया था, पर बाद में सभी कुछ ठीक हो गया था और मेला वापस से अच्छे से चलने लगा। बड़े बड़े झूले आए हुए थे और कई सारी चीज़ें आई हुई थी। उसके बाद दोस्तों भोजन की भी ऐसी व्यवस्था की गई थी मतलब लाखों लोग वहाँ पर भोजन कर सकें, ठीक है, इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था वहाँ पर की गई थी और सभी लोगों ने अच्छे से भोजन भी वहाँ पर ग्रहण किया। और यही दिन बीतते गए और आ गया आखिरी दिन। आखिरी दिन भक्तगणों का इतना मतलब ज़्यादा मतलब यहाँ पर आपको भक्ति देखने को मिली है कि बहुत ज़्यादा उस दिन भीड़ हुई थी। उसके बाद में दोस्तों विदिशा के इस बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा में वृंदावन धाम से आए हुए इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज भी आए हुए थे, जिन्होंने इस कथा को और ज़्यादा अलग बना दिया। दोस्तों ऐसे बड़े बड़े संतों का एक साथ एक कथा में आना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और विदिशा में इस कथा ने बहुत बड़ा एक इतिहास रच दिया है। अगर आप भी विदिशा में कथा सुनने के लिए आए हुए थे, अगर आपने 7 दिन की कथा अपने घर पर भी बैठकर सुनी हुई है, तो आप खुद सोचकर देखिए और अपने मन में सभी बातों को सोचकर हमें कमेंट करके बताइए क्या हम जो भी बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं ना या नहीं कह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों विदिशा में मतलब इतने बड़े बड़े संत आए हैं बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा में,
ऐसा अभी तक किसी कथा में हुआ ही नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, उसके बाद में देवकी नंदन ठाकुर जी आ गए हैं जिन्होंने खुद आरती करी है बागेश्वर धाम सरकार जी की। उसके बाद में जो हमारे अयोध्याचार्य जी महाराज हैं वो भी आ चुके हैं। मानो पूरी दुनिया के भक्तगण विदिशा में आ गए हों। हर रोड पे अगर आप लोग देखते उस दिन तो भाई भक्तगण ही भक्तगण आप लोगों को दिखते हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो कथा का समय था, इस कथा के बीच में जो भोपाल विदिशा नेशनल हाईवे है इसको बंद किया जाता था, और रात्रि के समय में जब सभी भक्तगण जो है मतलब ज़्यादातर मात्रा में जो निकलने होते थे वो निकल जाते थे, तो रात्रि में जाकर ये हाईवे को खोला जाता था। हालांकि रूट डाइवर्ट किया जाता था छोटी छोटी गाड़ियों के लिए, जो बड़े बड़े ट्रक होते थे उनको रात में निकाला जाता था। तो व्यवस्था बहुत अच्छी थी, वहाँ का पुलिस प्रशासन 24 घंटे लगे रहता था। बहुत थकान होने के बावजूद भी वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करते रहे। बागेश्वर धाम सरकार जी का दिव्य दरबार भी बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो आखिरी दिन था बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा का, पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज भी आ चुके हैं। दोस्तों विदिशा की बागेश्वर धाम सरकार जी की ये कथा बहुत ही ज़्यादा भव्य थी, बहुत ही ज़्यादा अलग थी। और भक्तों की भीड़ की बात करें तो दोस्तों वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। और यह सिर्फ दिव्य दरबार के दिन की बात नहीं है, दिव्य दरबार के दिन से ज़्यादा भीड़ आप लोगों को प्रतिदिन देखने को मिली है। जो भक्तगण वहाँ पर रुके हुए थे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वहाँ पर कोई असुविधा हुई। भीड़ के कारण थोड़ी बहुत हो सकती है, पर उसके अलावा कोई आपको वहाँ पर असुविधा नहीं हुई होगी। वहाँ के लोगों ने सभी तरीके से पूरा सहयोग किया है, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं होने दी है। अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं कि बाहर से आए हुए लोगों की पूरी सेवा की जाए, और वो भव्य तरीके से हुआ भी है। तो दोस्तों अब ये पल बहुत सभी लोगों को, विदिशा वासियों को और जो भक्तगण विदिशा में कथा सुनने के लिए आए हुए थे, 7 दिन रुके हुए थे, भले ही 1 दिन भी आप रुके हुए होंगे तो भी आप लोगों को ये पल बहुत याद आने वाले हैं, क्योंकि ऐसा भव्य नज़ारा आपको कहीं और देखने को शायद ही मिला होगा। और ये विदिशा का अब इतिहास रहेगा कि बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा ऐसी बहुत ही भव्य और बहुत ही अलग रही है। अब हम आपको विदिशा की जो आखिरी दिन की आखिरी पलों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा भक्तगण हैं कि मतलब सामने आपको भीड़ ही भीड़ देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। भक्तगणों की ये भीड़ है, कैसी लगी आपको ये भीड़ है कमेंट में ज़रूर बताएँ। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।